अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी हूं श्याम एनवच टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। तो आज की इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि जब आप अपने मोबाइल फोन के जरिए काइंड मास्टर के ऊपर क्रोमा की का इस्तेमाल करते हुए बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं तो उस वक्त आपके कपड़े या टी शर्ट्स के, उसके अलावा स्किन और बालों के इर्द गिर्द सबज कलर की मोटी या ब्रीक सी लाइन या कुछ डॉटेड बच जाते हैं जो कि आपकी वीडियो की इन्हेंसमेंट तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, ना होने के बराबर कर देते हैं और ऐसे अजीब सी वीडियो का इफेक्ट वो डाल देते हैं। तो उसको किस तरह खत्म करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट और डिटेल से बात करने वाले हैं। और साथ में एक आपको और हिंट दे दूं, अगर आप काइंड मास्टर का 5.0 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो तो फिर आपके लिए एक तोहफा कह सकते हैं। तो चलिए फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर डिटेल से जान लेते हैं कि ये सारे का सारा काम किस तरह करना है। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने करना है अपने काइंड मास्टर को ओपन, अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो कर लेना है जी इंपोर्ट। इंपोर्ट करने का तो आपको पता होगा, और ये भी बता दूं कि जो इस वक्त मैं वीडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ काइंड मास्टर के लिए वो काइंड मास्टर 5.0 है। अब हम लेयर में जाके अपनी वीडियो को यहाँ से कर लेते हैं जी ऐड, कैमरे वाले ऑप्शन पर गए और यहाँ से करते हैं अपनी वीडियो को इम्पोर्ट। इस वीडियो को कर लेते हैं हम यहाँ से इम्पोर्ट, इसको करते हैं जी थोड़ा सा क्रोप। अब आप किस तरह ये सारे का सारा काम करेंगे जिसकी वजह से आपके जितने भी बाल्स हैं उस पे रेड कलर की या ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की लाइंस नज़र ना आए, तो यहाँ से हम पहले करते हैं अपने क्रोमा की वाले ऑप्शन को ऑन। क्रोमा की पे गए, इसको हमने किए यहाँ से ऑन, तो इस वक्त ये सूरत हाल आ रही है जी नज़र हमें, इसको देखें तो इस वक्त आपको जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा ये वाला। इस वक्त तो बहुत कम नज़र आ रहा है ये, लेकिन जब हम इसको वीडियो को इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा होगा। इसकी मेन वजह दो सूरत हाल हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन का, उस कलर की आपने डायमेंशन मालूम करने की, उस कलर की डायमेंशन कितनी है और उसका कलर कौन सा है वो किस तरह मालूम करेंगे। हम बैक आ जाते हैं, आपने जाना है अपने प्ले स्टोर पर, यहाँ से आपने कलर डाउनलोड करना है, कलर पिकर के नाम से एप्लीकेशन होगी। डाउनलोड करने के बाद जो आप ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पिक्चर लेने के बाद आपने उसका कलर नोट कर लेना है और यहाँ पे आके आपने उसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद डार्क मोड आपने कर लेना है ऑन। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट ये दे दूँ कि हम बैकग्राउंड पर इस्तेमाल करते हैं जी ब्लैक कलर, जिसकी वजह से हमें इजीली पता चल सके कि इस वक्त हमारी वीडियो में क्या डाउट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा सारे का सारा प्रोसीजर। तो ये सीन है जी, इसको हमने करना है यहाँ से एडजस्ट, क्रोमा की वाले ऑप्शन पे के पहले तो इस कलर को सेट करते हैं। ये हो गया जी हमारा कलर सेट। अब इससे ज़्यादा सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है तो ओके, अगर नहीं तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे जो मतलब मिल जाएगा इजाफी आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसका नाम है जी कलर आइसोलेटर, इसको आपने कर लेना है जी इंस्टॉल। डाउनलोड करने के बाद इसको कर लिया जी इंस्टॉल, इस पर हम करते हैं सेलेक्ट और इसको करते हैं जी अपनी वीडियो पे अप्लाई। अप्लाई आपने किस तरह करना है गौर से और ध्यान से सुन लें, देख लें। इसको अप्लाई करने का तरीका एक बार ये होगा कि इस पर हमने करना है टैब, एक बार टैब करने के बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और उस कलर को सिलेक्ट करना है जो आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन का है, समझ है जी, इट्स ओके। और नीचे रिवर्स इसको आपने कर देना है ऑन और इंटेंसिटी को आपने अब सेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही फर्क पड़ गया, अभी इंटेंसिटी को सेट नहीं किया। अब यहाँ से हम करते हैं जी अपनी इंटेंसिटी को सेट, इंटेंसिटी, तो ये सेट करने के बाद अब आप क्लियर फर्क नज़र देख सकते हैं और पता भी चल जाएगा कि आपको ये वाला, ये देखें बिल्कुल ओके डन वाला सीन है जी, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसीजर है, करने के बाद अब आपने अपनी वीडियो को एडिट करना और एक्सपोर्ट कर लेना, ये सारे का सारा तरीका कार है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी आपने किस तरह करना। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो के आउटरो की तरफ। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि आपने किस तरह रिमूव करना है तमाम के तमाम डॉटेड्स। आई होप कि आप इस चैनल पर नए हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।